ये सर एच आई वी पे था पूरा, कि जो लोग नशा करते हैं वो क्या करते हैं, सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके पास उस टाइम ये नशा करते हैं पूरे ग्रुप में, तो ग्रुप में क्या रहते हैं उनके पास एक ही सिरिंज होती है और ये उसको बार बार कहते हैं एक दूसरे के लगा लेते हैं, जिसकी वजह से क्या इनमें जो एच आई वी इन्फेक्टेड बंदा होता है वो क्या पूरे ग्रुप को एच आई वी फैला देता है। तो इसलिए हम पिछले 2-3 सालों से हम लगातार कैंप लगा रहे हैं जगह जगह जाकर, उससे क्या हुआ कि लोगों में जागरूकता आई है और लोग इतने जागरूक हो गए कि अब ना हमारे पास इस इलाज के लिए आने लगे एच आई वी के लिए, और अब हम उनकी ART दवाई शुरू करके उसके बाद उनको नशा मुक्ति में एडमिट करा करके इनको नशे से बचा रहे हैं और उनको HIV ना फैले आगे, इसके लिए उनकी काउंसलिंग भी की जा रही है। तो कितने केस अब तक सामने आ चुके हैं HIV के? लगभग जी अब तक 19 केस सामने आ चुके हैं। तो कैसे ये फैलता है? ये जब के लगा लो कि उनके ग्रुप में उनको पता होता नहीं भाई उनमें से कौन HIV पॉजिटिव है, वो क्या करते हैं उनको इतनी उस टाइम समझ होती है नशे के कारण, तो वो क्या करते हैं कि ग्रुप में सिरिंज शेयर करते हैं एक दूसरे की, उनके पास इतना इतना समय होता है कि वो कहीं से सिरिंज खरीद के लिए, वो एक ही सिरिंज को एक दूसरे के बार बार यूज करते हैं, जिसकी वजह से क्या उन्हें HIV फैलने का खतरा 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब कितने मरीज आ चुके हैं जी? लगभग हमारे पास अब तक 19 मरीज जो कि सिरिंज से पॉजिटिव आ चुके हैं। तो बढ़ रहे हैं मरीज, इसका मतलब? नहीं, मरीज काउंसलिंग की वजह से क्या, जो कैंप लगा रहे ना उससे क्या कि लोग टेस्टिंग करवाने के लिए आने लगे, उससे क्या कि ये मामले सामने आने लगे टेस्टिंग की वजह से, और जो पॉजिटिव हम उनकी फिर काउंसलिंग करते हैं आगे, क्या वो नशा भी छोड़ रहे हैं और इस चीज़ का इलाज भी ले रहे हैं सही से। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रमेश कुमार, STA काउंसलर।